एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था कैरन। वो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। वो अपनी अम्मी से हर एक बात जानना चाहती थी। मम्मी, ये छोटी छोटी चीजें क्या चमक रही हैं आसमान में? ये सब सितारे हैं बेटा। जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं वो सब सितारे बन जाते हैं बेटा, और आसमान में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना था, एक ही कपड़े थे और एक ही चप्पल थी। वो चप्पलें उसकी अम्मी ने बनाई थी जो उसको काफी ज्यादा चुभती थी। एक दिन कैरन की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो कैरन शहर चली गई अपनी अम्मी के लिए दवा लेने। उसे रास्ते में लाल जूते दिखे। जूते इतने खूबसूरत थे कि कैरन उसे घर ले आई। देखिए अम्मी, ये जूते मुझे रोड पर से मिले हैं, कितने खूबसूरत हैं ये। शायद ये किसी और के हैं कैरन, तुम इन्हें वापस रख कर आ जाओ। अगर ये किसी के होते तो वो इसे ऐसे पार्क में नहीं छोड़ते। हो सकता है कि कोई गलती से भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिला है और अब ये मेरा है, मैं इसे वापस नहीं रख के आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी सुनो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीद सकूँ, इसलिए तुम किसी और के जूते मत पहनो। देखो, जिद नहीं करो, वादा करो तुम ये जूते नहीं पहनोगी। कैरन उदास हो गई और अपनी अम्मी से वादा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी, और उसे बेड के नीचे रख दिए। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कैरन अपने घर आई और उसे उसकी अम्मी नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह देख लिया और फिर वो जान गई कि उसकी अम्मी एक सितारा बन चुकी हैं। अगले दिन जब वो अपनी अम्मी की कब्र पर जा रही थी, तो उसने वो लाल जूते पहने। जितने भी लोग थे उन सब की नजरें कैरन के जूतों पर थीं। अरे लड़की को अपनी माँ के जनाजे पे ये लाल जूते पहने हैं। लेकिन कैरन ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे वो जूते बहुत पसंद थे। एक अच्छे दिल की बूढ़ी औरत वहाँ पर रुकी। उस बूढ़ी औरत को पता चला कि इस बच्ची की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मेरे साथ आओ प्यारी बच्ची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए और खूबसूरत जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो कैरन उन बूढ़ी आंटी के साथ रहने लगी। कैरन, ये जूते तुम तब से पहनी हुई हो जब से तुम्हारी माँ मरी है, अब तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं, मुझे रेड शूज बहुत पसंद हैं। कैरन, अब जिद नहीं करो और इन्हें फेंक दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। कैरन बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जूते कचरे में फेंक दिए। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन कैरन अपने नए कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को नए जूते लाकर दिए। लेकिन कैरन को ये जूते पसंद नहीं आए। ये तो नीले हैं और ये बहुत बुरे हैं, मुझे ये जूते नहीं चाहिए। कैरन को अपने लाल जूते बहुत याद आ रहे थे। वो बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी, लेकिन उसका जिद करना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बूढ़ी औरत जब भी उसके लिए तोहफा लाती तो वो ये कहती, मैं ये नहीं पहनना चाहती बेटा, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे ये खाना नहीं खाना, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए। एक निवाला तो खा लो बेटा। बूढ़ी औरत बहुत उदास हुई जब कैरन टेबल से उठकर चली गई। उसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और उसके कमरे में ले गई, और तभी कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखें, मेरी सारी की सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं,
मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, चलो हम बाहर चल के तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन मार्केट के लिए निकल पड़े। ये तो बिल्कुल मेरे रेड शूज की तरह है, मुझे यही चाहिए। चलें चल के ये खरीदते हैं। कैरन, तुम्हें ये लाल जूते खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे जूते चाहिए जो तुम कहीं भी पहन सको, जैसे कि हमें किसी के जनाजे में भी जाना पड़े। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही जूता दिला सकती हूँ, वो देखो, वो काले जूते। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं, अगर आपने मुझे दोनों जूते ना दिलाए तो मैं हर जगह बगैर जूतों के जाऊंगी। ओह कैरन, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते लिए और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को वो लाल जूते भी दिला दिए। बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो जिद्दी कैरन से बहुत परेशान हो गई और कैरन अपने नए जूते पहनकर घर वापस आ गई। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन को कहा कि हमें एक जनाजे पर जाना है। कैरन, याद रहे तुम्हें अपने काले वाले जूते पहनने हैं, एक जनाजे में जाने के लिए ये जरूरी है। कैरन ने अपने काले जूतों को देखा और उसके बाद अपने लाल जूतों को। उसने लाल जूते पहनने का फैसला किया। जब वो लोग घर से निकले तो उसने उन लाल जूतों को छुपा लिया ताकि बूढ़ी औरत वो लाल जूते ना देख पाए। जनाजे पर सबने कैरन के जूते देखे जो कि बहुत चमक रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से कैरन के जूतों के बारे में बातें करने लगे। जब बूढ़ी औरत के कानों में वो बातें आईं, तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था और तुमने वापस से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, थोड़ी इज्जत करना सीख लो। एक खूबसूरत शहजादा उस वक्त वहां से गुजर रहा था। वो कैरन के पास आके रुका और उसकी तारीफ करने लगा। कितनी प्यारी हैं आप और ये जूते आप पे कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह शहजादे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी डांसर लग रही हो, मैं तुम्हें आज की रात डांस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम जरूर आना। शहजादे की ये बात सुनकर कैरन खुशी से डांस करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ओह, मैं अपने पाँव क्यों नहीं रोक पा रही हूँ, ये आखिर क्या हो रहा है। कैरन डांस करते करते वहाँ से भाग गई और शहजादा उसके पीछे गया। कैरन वापस आओ। शहजादे ने उसका पीछा किया लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। कैरन के लाल जूते उससे भी ज्यादा जिद्दी थे। वो जूते उसे पहाड़ों के ऊपर भी ले गए और उसे दिन रात बस नचाते रहे। कैरन के पैर बहुत दर्द करने लगे और वो जोर जोर से चीखती रही। ओ, 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 ओ। जबकि वो मिट्टी में गए और झाड़ियों में भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। ओह, बहुत हुआ, मैं थक गई हूँ, मैं आइंदा से जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे ही कैरन ने कहा कि वो जिद करना छोड़ देगी, वो जूते अपने आप उसके पैरों में से बाहर निकल गए और कैरन भी नीचे गिर गई और वो जूते बिना कैरन के डांस करने लगे। कैरन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए उसने एक लकड़ी उठाई और उसके सहारे अपने घर गई। कैरन अपना घर देखकर खुशी से रोने लगी। वो बूढ़ी औरत के पास गई और उससे गले लगा लिया। मैं जानती हूँ कि मैं जिद्दी थी, लेकिन मैं आइंदा से अब जिद नहीं करूँगी। जब कैरन ने जिद करना छोड़ दी
तो सब कुछ सही रहने लगा। एक दिन कोई दरवाजे पे आया और वो शहजादा था। अरे तुम कहाँ हो केरन? मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा और तुम इतना तेज नाची कि मैं तुम्हें ढूंढता रह गया। कहाँ थी तुम? केरन शहजादे को देखकर बहुत खुश थी और उस दिन से शुरू हुआ केरन और शहजादे का प्यार। उसने जिद करना छोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी। बाप और उसकी दो जवान बेटियां यहां से बहुत दूर रहा करती थीं। उनमें से एक लड़की बहुत सुस्त थी और एक काम करती रहती थी। तुम मेरी मदद नहीं करती हो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? उनके बूढ़े वालिद बहुत काम करते थे, इसीलिए वो थक जाते थे और उन्हें खाने को मिलता था एक सूप और एक ब्रेड। एक दिन वालिद ने अपनी बेटियों से दरख्वास्त की। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ। अब वक्त आ गया है, तुम दोनों बड़ी हो गई हो, मुझे लगता है मुझे अब तुम पे कुछ और जिम्मेदारियाँ डालनी होंगी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कहीं जाओ और जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो। आप सही कह रहे हैं बाबा, मैं अपने लिए नौकरी जरूर ढूंढ लूंगी। और तुमने क्या सोचा मेरी प्यारी बेटी? इसी को नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो इसी का काम हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छे से कर लूंगी। बूढ़े वालिद अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन जब बेटी नौकरी ढूंढने के लिए जा रही थी तो उसके वालिद उसके पास आए। मेरी प्यारी बेटी, मेरी कुछ नसीहत सुनती जाओ, कभी किसी की मदद के लिए मना मत करना बेटी। हमेशा इंकसारी रखना, अपने काम से प्यार करना और वो काम अच्छे से करना जो तुम्हें दिया जाए। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगी। इसको कहते हैं मेरी प्यारी बेटी। बेटी अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ सुस्त लड़की ने अपने घर में कोई भी काम नहीं किया था। घर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। दूसरी तरफ बेटी अपनी नौकरी तलाश कर रही थी। काफी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। कैसी हो प्यारी बेटी, क्या तुम थोड़ा मुझे साफ कर सकती हो और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी डाल दो? फिर उस लड़की ने पेड़ को साफ करना शुरू कर दिया और उसके हाथों में भी चोटें लग गई थी और उसने अपने पीने के पानी से उस पेड़ को पानी दे दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम्हारे पीने के लिए पानी तो बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी, मैं आगे से जाके पानी ढूंढ लूंगी। वो लड़की अपने रास्ते पर निकल पड़ी। फिर उसे एक गुफा दिखी जो कि टूटी हुई थी। ए प्यारी लड़की, क्या तुम मुझे कुछ सही कर सकती हो ताकि मैं अच्छा दिखूं? मेहनती लड़की ने नीचे से कीचड़ उठाई और सारी जगहों को भर दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, लेकिन तुम मेरी वजह से बहुत गंदी हो गई हो। ओह कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते, आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद कर दी। मेहनती लड़की दोबारा से अपने सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक जानवर उसके सामने आया जो कि बहुत काला था और उसे सर्दी भी लग रही थी। सुनो प्यारी लड़की, मैं खेल रही थी और गलती से गंदी हो गई। क्या तुम मुझे नहला सकती हो? मेहनती लड़की ने उस जानवर को नहलाया और वो पहले की तरह सफेद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप मेरी वजह से गीली हो गई हैं,
तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैं वैसे ही बहुत गंदी थी और अब साफ हो गई हूँ। मेहनती लड़की दोबारा चल पड़ी। जब रात हो गई तो वो एक खूबसूरत घर के पास आकर रुकी। जहाँ सात परियां रहती थी। मेहनती लड़की अंदर आई। हेलो, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके घर बगैर इजाज़त अंदर चली आई। दरअसल मैं एक नौकरी की तलाश में यहाँ आई हूँ। तुम यहाँ काम कर सकती हो अगर तुम चाहो। हमारे घर में सात कमरे हैं, मगर तुम्हें सिर्फ छह कमरे साफ करने होंगे और सातवें कमरे में कभी जाना भी मत। मेहनती लड़की ने उनकी बात मान ली और वो रोजाना छह कमरे साफ करती थी। जैसा कि परियों ने कहा था, वो सातवें कमरे में नहीं जाती थी। और जब उसे तनख्वाह मिली तो उसने परियों से घर जाने की इजाजत मांगी। बिल्कुल प्यारी लड़की, तुम घर जा सकती हो, लेकिन ये बताओ कि तुम सातवें कमरे में क्यों नहीं गई? मेरे बाबा कहते हैं कि जो काम करो ठीक से करो। मेरा काम सिर्फ छह कमरों की सफाई करना था और ऐसा ही मैंने किया जैसा आपने कहा था। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए तोहफे से नवाजना चाहते हैं। चलो हमारे पीछे आओ। परियों ने उस लड़की को कहा कि वो सातवें कमरे में जाए। जब वो अंदर गई तो उसने बहुत सारा सोना देखा। अब तुम इस तमाम सोने के पास घूमो और जो तुमसे चिपका वो सब तुम्हारा हो जाएगा। मेहनती लड़की सारे सोने के सिक्के उठाने लगी। वो भी एक परी की तरह दिख रही थी। फिर मेहनती लड़की अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे वही जानवर दिखे जिसे उसने नहलाया था और उसने बहुत सारे मोती पहने हुए थे। मैं तुम्हारी मदद नहीं भूली प्यारी लड़की, तुम जितने चाहो उतने मोती यहाँ से उठा सकती हो। मेहनती लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने अपनी गर्दन और अपने हाथों में मोती ले लिए और वो दोबारा चलने लगी। इस बार वो उस गुफा के पास आई जिसे उसने जोड़ा था। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता बेटी, तुम कहाँ थी? आओ मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई ताज़ा ताज़ा ब्रेड खिलाता हूँ, ये तुम्हारे लिए। मेहनती लड़की ने थोड़ी सी ब्रेड खाई और थोड़ी सी अपने घर के लिए रख ली और वो दोबारा चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने पेड़ को देखा। उसकी शाखें फलों से भरी हुई थी। अरे प्यारी बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे दरख्त के सारे मीठे फल तुम्हारे लिए। मेहनती लड़की ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और आखिरकार अपने घर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। उसके वालिद और उसकी बहन ने उसको खुशामदीद कहा। मेहनती लड़की के पास बहुत सारा सोना था और ये देखकर सुस्त बहन बहुत हसद करने लगी जब उसने देखा कि उसकी बहन बहुत अमीर हो गई है। इन सिक्कों को तो देखो जरा, मुझे भी कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे इसके जैसी ही नौकरी मिले। अगर ये सोना लेकर आई है तो मैं हीरे लाऊंगी। सुस्त लड़की ने अपने वालिद को बताया कि वो नौकरी ढूंढने के लिए जा रही है। अरे बेटी, तुमसे तो हमारे घर का ही काम नहीं होता, तुम बाहर जाकर क्या काम करोगी? सुस्त लड़की अपने वालिद की बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। वो दिन रात चलती रही। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़की को एक पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। पेड़ ने उस लड़की से मदद मांगी। अरे प्यारी बेटी, क्या तुम मुझे साफ कर सकती हो? हाँ, इस धूप में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। सुस्त लड़की वहाँ से चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे टूटी हुई गुफा दिखी। गुफा ने उससे मदद मांगी। सुनो, मेरी थोड़ी मदद कर दो।
मैं अपने खूबसूरत हाथ तुम्हें साफ करने में खराब नहीं कर सकती। आखिर मेरी नेल पॉलिश हट जाएगी। बाय। सुस्त लड़की ने उस गुफा की भी मदद नहीं की। फिर वो उस जानवर के पास आई जो गंदा हो गया था, और उस जानवर ने उससे मदद मांगी। एव, गंदी, मेरे पास से हटो गंदी चीज। बाय। सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई। और वो एक बहुत बड़े घर के पास आई। सुस्त लड़की ने इस बात का फायदा उठाया और उन सात परियों के घर नौकरी करने का पूछा। सबसे बड़ी परी ने कहा कि वो यहाँ पर पूरा साल काम करे और सिर्फ 6 कमरे साफ करे। याद रखना, 7वें कमरे में तुम कभी भी नहीं जाओगी। सुस्त लड़की ने कुछ महीनों तक 6 कमरे साफ किए। एक दिन वो जानना चाहती थी कि 7वें कमरे में क्या है, और उसने उसका दरवाजा खोला। सोने और मोती के बदले अंदर मक्खियाँ और चमगादड़ थीं। सारी मक्खियाँ और चमगादड़ सुस्त लड़की के करीब आए और सारी मक्खियों ने उसे काटा। सुस्त लड़की को बहुत चोटें आईं और वो अपने घर की तरफ भागने लगी। जब वो भाग रही थी तो उसके सामने वो जानवर आया जिसको उसने नहलाने से मना कर दिया था, और उसके पास बहुत सारी मोतियाँ थीं। वो उसे पकड़ कर मोतियाँ लेना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। सुस्त लड़की चलने लगी और वो बहुत थक गई थी। थोड़ा और चलने के बाद उसने उस गुफा को देखा जिसको जोड़ने के लिए उसने मना कर दिया था। उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्रेड रखी हुई थी। जब उसने ब्रेड खरीदना चाही तो गुफा में आग लग गई और उसके हाथ जल गए। गरम, गरम। जब सुस्त लड़की वहाँ से भाग गई तो वो उस पेड़ के पास आई जिसकी मदद करने के लिए उसने मना कर दिया था, और उस पेड़ की शाखों पर बहुत सारे फल थे। आ, आ। उसने फल लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ले पाई। वो जिस तरफ भी जाती, पेड़ उसकी दूसरी तरफ जाता। आ, 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 आ। भागते भागते वो थक गई और वो फल लेने में नाकामयाब रही। वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और आखिरकार घर आ गई। उसके वालिद और उसकी बहन उसे देखकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी और बहुत ज्यादा जख्मी भी। उसने उनको सब कुछ बताया। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम अब समझी कि मेहनती होना कितना जरूरी है? याद रखना मेरी प्यारी बेटी, इस दुनिया में जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ता है। उस दिन के बाद से वो सुस्त लड़की अब सुस्त बिल्कुल नहीं रही। दोनों बहनें मिलकर काम करने लगी, और ये छोटी सी फैमिली अपनी जिंदगी बहुत खुशी के साथ गुजारने लगी।